हाँ, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या है कि हर एक जो है ना वो इंसान, हर बंदा ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं। तो हम इसकी बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लेके, इकोनॉमी को लेके हम बात करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है ना, तो वो आते ही ये करती है कि जो पुरानी गवर्नमेंट ने कोई भी किसी किस्म के अच्छे डिसीजन लिए होते हैं या बुरे डिसीजन लिए होते हैं उसको बंद कर दिए जाते हैं। मतलब वो एक दूसरे से बदला लेने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को ख़त्म कर दें। जैसे इमरान खान ने एक सेहत कार्ड का इस्तेमाल किया था, उसको बंद कर दिया गया था ये नोनली की तरफ से। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये कंट्री की इकोनॉमी और इसकी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क डालती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना, यहाँ के कंट्री के अंदर मैंने पिछले 7 साल के अंदर देखा कि यहाँ के में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। मतलब कि कोई अगर नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुरानी गवर्नमेंट के डिसीजन को चेंज इतनी जल्दी नहीं करती या उन चीज़ों को नहीं बदलती, प्राइजेस को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती, कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेती जिससे लोगों को इस पर फ़र्क करेगी। और यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की वजह से दुनिया भर से लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं। स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ओवरसीज से लोग आते हैं स्किल्ड माइग्रेट करके और उनको यहाँ पे परमानेंट भी कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को पता हो, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे जो पेयर लेवल है, जो माइग्रेशन लेवल है लोगों का, जो लोगों को एक ट्रीटमेंट दी जाती है, ट्रीट किया जाता है यहाँ की इकोनॉमी को लेके कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, माइग्रेशन प्रोग्राम दिया गया है और डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं। मतलब स्किल माइग्रेट प्रोग्राम में किसी भी किस्म के स्किल्ड वर्कर्स को लाया जाता है और यहाँ पे आके वो काम करते हैं और काम करने के कुछ ही सालों बाद, 5, 6, 10 सालों के बाद उसको परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाती है। अगर हम देखें गल्फ कंट्रीज़ को, जैसे सऊदीया हो गया, कुवैत हो गया और ये जितने भी कंट्री हैं, ओमान हो गया, यहाँ पे लोगों को PR नहीं मिलती, वहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिलती, बल्कि उनको जो वीज़ा ना वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो यही वजह है कि दुनिया भर के लोग जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का रुख इसलिए करती हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, यहाँ के जो माइग्रेशन प्रोग्राम है ना उसके जरिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग, अगर आप लोगों के पास कोई स्किल्ड वर्कर है, अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप लोग कोई काम जानते हैं, आप IT एक्सपर्ट हैं, आप मैकेनिक हैं, आप ऑटोमोबाइल, आप कुकरी हैं, आप शेफ हैं, कुछ भी है आपके पास स्किल, तो ऑस्ट्रेलिया उस चीज़ को आपको उस चीज़ की वैल्यू देता है और आपकी कदर करता है और आपको उससे अच्छा मुआवजा देता है जो कोई और कंट्री होता है। और यही वजह है कि स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम जो है ना वो इतना ज़्यादा कामयाब है कि अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने ज़्यादा हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है ना वो यहाँ पे पढ़ने के लिए। फिर आ जाता है डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखिए मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना पिछले साल के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रियलाइज़ किए ना, देखिए ना, वो मैंने पाकिस्तान छोड़े किसी दूसरे मुल्क, किसी UK के अंदर भी नहीं देखी होंगी। मैंने जर्मनी के अंदर भी इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी होंगी जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख ली हैं। उसकी रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, यहाँ का जो इनकी जो आबादी है वो बहुत कम है, लेकिन जो इनके कंट्री का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने सिडनी से ट्रैवल शुरू किया था बाय कार, जो मेरे पास गाड़ी थी होंडा की। अगर आप लोग मुझे पुराने फॉलो करते हैं आपको पता होगा, तो मैंने सिडनी से जो है ना वो ड्राइव स्टार्ट की थी और 4 दिन के बाद, लगातार ड्राइविंग के बाद मैं डार्विन में पहुंचा था। मतलब एक कोने से मैंने ड्राइव स्टार्ट किया था और दूसरे कोने में जा पहुंचा था और इस जो रास्ता था ना, ये तकरीबन 4,400 किलोमीटर था, उसके अंदर मोस्टली डेजर्ट था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का रकबा इतना बड़ा है और यहाँ पे अब पॉपुलेशन बहुत कम है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे हर वक्त हर शॉर्टेज, हर एक सेक्टर के अंदर जो है ना वो स्किल की शॉर्टेज है, इनको लोग नहीं मिलते और इसी वजह से लोग जो है ना वो माइग्रेट प्रोग्राम के तहत लोगों को बाहर से कंट्री में लाते हैं और उनको यहाँ पे ला के जॉब्स देते हैं। और इसी वजह से दुनिया भर के स्टूडेंट्स माइग्रेशंस या PR प्रोग्राम, लोग दुनिया भर से यहाँ पे आना चाहते हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में लोग आके सेटल होना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है हाई सैलरीज।
ऑस्ट्रेलिया दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा पे करता है। और ये लोग, ये चीज़ आपको स्टूडेंट भी बता सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, जो मैं भी पिछले 7 साल से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और जो अब भी आज की डेट में भी पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा हाईली पेड करता है रैदर देन अदर कंट्रीज़ में। अगर आप US में चले जाएँ 6 से 7-8 डॉलर मिलते हैं, अगर आप कैनेडा के अंदर चले जाएँ तो आपको 10-12 डॉलर मिलते हैं, लेकिन अगर आप UK के अंदर चले जाएँ तो आपको वहाँ पे भी 8 से 9 पाउंड मिलते हैं, लेकिन अगर आप वही ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं तो आपका मिनिमम रेट जो है ना वो 23-24 डॉलर एन आवर से स्टार्ट होता है अगर आप 18 साल से ऊपर है, और ये ऑल द वे टू 31-36, और वीकेंड्स पे ये आप लोगों को 41 और 50 डॉलर एन आवर के मुताबिक भी पे करते हैं। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब्स इतनी हाईली पेड हैं कि लोग गल्फ कंट्री छोड़ के, लोग UK और US से छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये कंट्री जो है ये अपने लोगों को बहुत ज़्यादा हाई पेड करता है, चाहे अगर आप एक नॉर्मल क्लीनर हैं, या चाहे अगर आप एक मैकेनिक हैं, या आया आप एक प्लमर हैं। फॉर इंफॉर्मेशन अगर आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूँ तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा हाई पेड जो जॉब है वो प्लमर की है, अनस्किल्ड में, मतलब जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो मजदूरी में हम लोग कह सकते हैं, वो इसकी है प्लम्बर की, जो कि 60-70 डॉलर एन आवर पे किया जाता है। और अगर हम IT की तरफ आ जाएं, जो कि कंप्यूटर पे बैठते हैं IT एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको 40-50 डॉलर एन आवर भी आराम से मिल जाता है। तो अब ये आप चीज़ बड़े आराम से इस चीज़ का मुआवजा कर सकते हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उसके बाद उनकी जो जॉब के ऊपर हाई पे है ना वो बहुत ज़्यादा। और यही वजह है कि स्टूडेंट्स का मोस्टली रुझान ऑस्ट्रेलिया की तरफ होता है रैदर देन जो UK जाते हैं या US से जाते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि UK में रहते हैं, लेकिन उनका हमेशा से यही मुझे कहना होता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना है और मैंने वहाँ पे रहना। उसकी यही रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पेड करता है अपने लोगों को। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं और आपके पास कोई जॉब नहीं है, या अगर आप सिंगल मम हैं, या अगर आप सिंगल डैड हैं, या आप लोगों के पास जॉब नहीं है, तो ये गवर्नमेंट अपने लोगों को सपोर्ट करती है। इनका एक यहाँ पे इदारा जो कि सेंट्रल लिंक के नाम से है, वो अपने सिटीज़न को, अब उसकी जो है इसके लिए आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर परमानेंट होना लाजमी है। अगर आप यहाँ के रिहायशी हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं या ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो आप लोगों को ये कंट्री जो है ना बहुत अच्छा ट्रीट करता है। ये अपने लोगों को, अगर उनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब ढूंढने में हेल्प करता है, और जब तक जॉब नहीं मिलती उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है, और अपने लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करता है। हेल्थ सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जो हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड वहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो कि दुनिया भर से आते हैं। और हेल्थ केयर के बाद अगर मैं एजुकेशन की बात कर लें, तो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन की तो क्या ही बात है। मैं सून ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ की जो स्कूलिंग सिस्टम है बच्चों की, वो इतनी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड जो होती है, वो लोग बच्चों को, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एजुकेट करते हैं। मैंने इनका जो एक स्कूल विज़िट किया था, मुझे उसके बाद पता चला था कि ये लोग अपने बच्चों को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया एक वो उन कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन जो है ना स्कूलिंग के अंदर बहुत अच्छी होती है, और इसी वजह से दुनिया भर के लोगों का टूरिस्ट और यहाँ पे रहने का जो रुझान है ना वो दिन ब दिन। बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दुनिया भर से लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, यहाँ की जॉब सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और यही वजह है कि मुझ जैसे हज़ारों लाखों स्टूडेंट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया आए हैं, यहाँ पर आके सेटल हुए हैं, और बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। तो ये एक रफली आइडिया आपको दे दिया। आई होप सो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।